दिल्ली में धरने पर बैठे महिला पहलवानों के साथ हो रहे बर्ताव के विरोध में भिलाई की संयुक्त ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन किया। सिविक सेंटर में शाम को 8 से ज्यादा ट्रेड यूनियन के लीडर और सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। इस मौके पर यूनियन के नेताओं ने कहा कि महिला पहलवानों की शिकायत यौन उत्पीड़न को लेकर थी। केंद्र की सरकार को उन्हें राहत देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ दोषी पर कार्यवाही की बजाय उसे बचाया जा रहा है। यूनियन लीडर से कहा कि वे सभी देश की महिला पहलवानों के साथ अगर जरूरत पड़ी तो वे दिल्ली जाकर भी विरोध करेंगे। 28 तारीख को जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे महिला पहलवानों का दमन हुआ है विरोध करने के कारण, हम उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि एक यौन उत्पीड़न मामले पे सरकार जिस तरह से डील कर रही है, ये बिल्कुल इस मतलब भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे 1981 में एक मास्टर रिंकू हत्याकांड हुआ था, उस समय भी इस तरह का जन आंदोलन उभरा था। आपको मालूम होगा बिल्ला रंगा को जो फांसी दी गई थी, जो संजय और गीता हत्याकांड के कारण, उस समय भी एक सरकार थी और उस समय भी जन आंदोलन उभरा था। निर्भया कांड के समय में भी एक जन आंदोलन उभरा था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह का बर्ताव नहीं किया जन आंदोलन के प्रति, और ये सरकार पूरी तरह से उस जन आंदोलन को दबाना चाहती है। अगर सरकार यौन उत्पीड़न के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती तो ये जो निरंतर ये जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है ये यहाँ तक नहीं पहुंचता। लेकिन आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, क्योंकि जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ तो उन्होंने वो जो राजदंड को वहां स्थापित किया, राजदंड है ही इस बात का प्रतीक कि शासक जो है वो अपनी स्वेच्छाचारिता के अनुसार काम कर सके, न्याय के आधार पर शासन चलाने की परंपरा को तोड़कर एक स्वेच्छाचारिता के आधार पर शासन चलाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन भारत की जनता दबेगी नहीं, हम लोग ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे और ये एक अभियान की तरह इसे हम ले जाएंगे आगे, ताकि इनके भक्तों को भी ये समझ में आए कि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और ये लोकतंत्र का गला घोटकर क्या होगा आपका अगला कदम। ये रहेगा कि इसके बाद हम लोग का पूरा केंद्रीय स्तर पर तय होगा कि आगे हम क्या करेंगे, लेकिन यह आंदोलन चलता रहेगा।